नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुनीत कुमार उषा मेटल झांसी से। आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप बिजनेस के बारे में बताऊंगा कि ई वेस्ट का बिजनेस कैसे करा जाता है और इस बिजनेस को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे प्रोसेस है, क्या आप इसमें डॉक्यूमेंटेशन है, क्या इन्वेस्टमेंट है। सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध करता हूँ, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई आपके सजेशंस हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप कमेंट करके यही बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन आगे पहुँचाइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं पहले आपको मैं इसके बारे में बताऊंगा कि कुछ फैक्ट्स हैं ई वेस्ट से रिलेटेड, कुछ फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो ई वेस्ट एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है हमारे अर्थ पे, क्योंकि ये हर साल 3 गुना बढ़ जाता है और इसका प्रॉपर रिसाइकलिंग सेंटर कोई नहीं है पूरे इंडिया में। इसको रिसाइकलिंग करने के लिए प्रॉपर सेटअप चाहिए होता है, उसके लिए इंडिया में कोई फैसिलिटीज, क्योंकि 95% इनफॉर्मल रिसाइकलिंग करते हैं यहाँ पे लोग, जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, प्रॉपर गेयर नहीं है उसको करने के लिए। तो ये ह्यूमन और इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। तो ई वेस्ट हमारे धरती के लिए एक प्रकार का बहुत ही ज्यादा डेंजरस मटेरियल है, क्योंकि अगर इसको प्रॉपर वे में डिसमेंटल और रिसाइकलिंग नहीं किया और प्रोसेस नहीं किया तो ये हमारे अर्थ को काफी हार्म कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर काफी हैजार्ड मटेरियल्स होता है, जैसे मर्कुरी, लेड, कैडमियम, साइनाइट। अगर ये गलती से एनवायरमेंट के टच में आ जाता है और पानी के टच में आ जाता है तो इससे हमारी धरती पे काफी पॉल्यूशन बढ़ सकता है। वर्ल्ड डाटा सेंटर के अकॉर्डिंग हर साल 1.5 बिलियन मेट्रिक टन ई वेस्ट जनरेट हो जाता है और आने वाले 2022 में ये बढ़कर 2.6 बिलियन मेट्रिक टन हो जाएगा। तो ये रेगुलर बढ़ता जा रहा है। इसको और प्रोसेस करने के लिए हमें और भी ज्यादा अच्छे रिसाइकल सेंटर खोलने पड़ेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट पूरा साथ दे रही है। आप आदि ग्राम से ये काम सीख कर रिसाइकलिंग सेंटर आराम से डाल सकते हैं। आने वाले टाइम में वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज ई वेस्ट मैनेजमेंट लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रही है, क्योंकि इससे जुड़ी हुई लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है। इस वजह से लोग इनफॉर्मल सेक्टर की तरह जैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके प्रॉपर गेयर नहीं है, प्रॉपर एनवायरमेंट नहीं है काम करने के लिए। इससे क्या होता है कि जब वो रिसाइकल करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में, प्रॉपर वे में उसको रिसाइकल नहीं करते हैं, तो वो सारा कचरा को नदी में बहा देते हैं। इससे एनवायरमेंटल और हेल्थ दोनों पे काफी इफेक्ट होता है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग के टाइम हमें खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रीसियस मेटल्स भी होते हैं और साथ में काफी हार्मफुल केमिकल्स भी होते हैं और हैवी मेटल्स भी होते हैं, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। इसमें ई वेस्ट को रिसाइकल ये खुले हाथों और खुली आंखों से ये रिसाइकल करते हैं, जिसको आने वाले टाइम में इन्हों काफी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि अगर किसी एक को ये हार्म होता है तो उसकी पूरी फैमिली को भी ये प्रॉब्लम पूरी झेलनी पड़ती है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ई वेस्ट ट्रेनिंग सेंटर खोले हैं। अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है ई वेस्ट बिजनेस को लेकर और कोई आपके पास अच्छा आदमी नहीं है काम करने के लिए जो उस बिजनेस को अच्छे से जानता हो, तो इस बिजनेस को आप कभी स्टार्ट ना करें। मेरा लास्ट पॉइंट यही है कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है इसको लेकर, तो इस बिजनेस को कभी भी स्टार्ट ना करें, क्योंकि इससे आपको और एनवायरमेंट को दोनों को काफी दिक्कत होगी। और नेक्स्ट सवाल है सबसे इंपॉर्टेंट, इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कम से कम आपको 50 लाख से 2 करोड़ रुपए आपको चाहिए इंडिया में काम करने के लिए, क्योंकि इसमें जो मशीनी आती है वो भी काफी महंगी होती है। फिक्स्ड कैपिटल होती है जो मशीन होती है, वर्किंग कैपिटल में माल जो खरीदते हो बेचते हो उसके लिए आपको पूरा लेबर हो गया, गाड़ी चाहिए, उसके लिए आपको पूरा आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए काम करने के लिए। तो कम से कम आपके पास 50 लाख से 1.5-2 करोड़ रुपए होनी चाहिए, तभी ये बिजनेस को आप आराम से कर सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से आप बैंक से लोन भी ले सकते हो। रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में एकमात्र ये ऐसा प्रोजेक्ट है रिसाइकलिंग वाला जिसके बैंक लोन देती है, जहाँ पे DIC से आप कोई प्रोजेक्ट पास करवा के बैंक से सब्सिडी वाला लोन ले सकते हो। तो गवर्नमेंट भी इसमें आपको सब्सिडी देती है, मशीन में सब्सिडी देती है, अगर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं है बैंक से लोन ले सकते। सबसे पहला सवाल आता है कि इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप है क्या, इसे ई वेस्ट भी कहा जाता है। इसके 3 टर्म है जो जनरली स्क्रैप मार्केट में यूज करे जाते हैं, जैसे ई वेस्ट। पहला है ई वेस्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। दूसरा है WEEE का मतलब है वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट। और तीसरा है EOL, एंड ऑफ लाइफ इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप। तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप के टर्म्स थे। ई वेस्ट क्या है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिनकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं है, खराब हो चुके हैं, उसका कोई यूज नहीं है, तो वो ई वेस्ट की कैटेगरी में आते, क्योंकि अगर वो इस तरह से पड़े रहते हैं या फिर कहीं पे स्टोर रहते हैं तो जगह भी लेते हैं और साथ में वो एनवायरमेंट में हार्म भी करता है, क्योंकि उसका डेट होता है, उसमें जो कंपोनेंट रहते हैं उसमें से लिक्विड निकलने लग जाता है, तो ये एनवायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो इसको टाइम रहते इसको स्क्रैप करना चाहिए और इसको रिसाइकल करके
इसके दूसरे प्रोडक्ट को रिकवर करके उसका दूसरा मेटल में ई वेस्ट के थ्रू को प्रोसेस में जो मेटल आते हैं उसको दोबारा यूज करते हैं। तो इसमें जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशन हो गया, सेलफोन्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, जब ये किसी काम के नहीं होते ओनर के रिजेक्ट हो जाता है। तो भी कई सेक्टर्स होते, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स हो गए, वहां पे कई आउट ऑफ डेट्स हो जाते हैं, जो जिनका कोई यूज नहीं करता, कोई खरीदता नहीं है, तो वो सारे स्क्रैप में जाते हैं और वो स्क्रैप होकर ई वेस्ट के रूप में मार्केट में आ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई वेस्ट बिजनेस खोलने के लिए कितनी जगह चाहिए? तो ई वेस्ट रिसाइकलिंग सेंटर खोलने के लिए कम से कम आपको 5,000 से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए, क्योंकि इसमें आपको प्रोसेसिंग सेंटर खोलना है और शॉर्टिंग सेंटर खोलना है, और वो शॉर्ट होकर सामान रखा जाता है रिसाइकिल होकर, उसको भी रखने के लिए जगह चाहिए। तो कम से कम आपको 5,000 से 10,000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, और आगे और भी जगह की जरूरत पड़ सकती है गोडाउन बनाने के लिए, क्योंकि और भी रेगुलर माल आप खरीदते रहते हो। तो रनिंग में बिजनेस करते हैं तो उसमें स्टॉक बढ़ता जाता है, आपको 2-3 महीने का स्टॉक लेके रखना पड़ता है ताकि आपका जो लेबर है वो रेगुलर काम करती रहे और आपकी मशीन बंद ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई वेस्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरत पड़ती है? ई वेस्ट इंडस्ट्री लगाने के लिए तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट रहता है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का लाइसेंस, साइट प्लान, टोपोग्राफिकल मैप, डिटेल प्लांट लेआउट, डिटेल ऑफ वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, परमिशन फ्रॉम एनवायरमेंट एंड मिनिस्ट्री टू इंपोर्ट ई स्क्रैप, SSI सर्टिफिकेट, NOC फ्रॉम डायरेक्टरेट ऑफ इंडस्ट्रीज और उद्योग आधार, GST रजिस्ट्रेशन, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सिटी एरिया में ये आपको मिलेगा शॉप एक्ट लाइसेंस, नगर निगम इसको जारी करेगा, रूरल एरिया में पंचायत इसको जारी करेगा। आपको मैं वेबसाइट बताता हूँ कहाँ से आप इसको बनवा सकते हो। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है TPC.com से, आप वहाँ जाके इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हो पोल्यूशन सर्टिफिकेट का ऑनलाइन। फिर उद्योग आधार .gov.in, उद्योग आधार यहाँ से आप बना सकते हो। फिर MSME.gov.in, यहाँ पे MSME में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। GST रजिस्ट्रेशन के लिए reg.gst.gov.in, यहाँ पे आप GST रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अब आप kbic.org.in, यहाँ पे आप इसका प्रोजेक्ट आराम से डाउनलोड कर सकते हो। और जो मैंने ये डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं ये बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है, अगर इसके अलावा आप काम डालते हो ई वेस्ट से रिलेटेड, आप पकड़े जाते हो, आपको इसकी पेनल्टी भरनी पड़ती है। इतने डिपार्टमेंट आप पे चार्जेस लगाते हैं और जितना मटेरियल आपके गोडाउन पे रखा है उसका दुगना चार्ज आपको करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट्स बना लीजिए, अभी आप इसको काम कीजिए। इंडिया में तो बिना डॉक्यूमेंट्स के भी काम चलता है, लेकिन फिर भी अगर पकड़े जाते हैं तो इतना फिर आपको देना पड़ता है पैसा। मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ, बिना डॉक्यूमेंट्स के आप काम मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई स्क्रैप कितने टाइप के होते हैं? तो इसमें टेलीविजन स्क्रैप, डिस्प्ले, मॉनिटर्स होते हैं जैसे CRT, LCD, LED, प्रिंटर्स, GPU, CPU, और ये चिप सेट आते हैं PCB, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सिम कार्ड, डिस्प्ले यूनिट, एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रॉनिक रेफ्रिजरेटर, मोबाइल फोन्स, इन्वर्टर, प्रोसेसर, लैपटॉप, ये सारे ई स्क्रैप में आते हैं, सारे ई वेस्ट के कैटेगरी में आते हैं। और घर के जो छोटे मोटे जितने भी हाउस होल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं ये सारे ई स्क्रैप की कैटेगरीज में आते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ई वेस्ट आप कहाँ कहाँ से परचेज कर सकते हो, कहाँ कहाँ ये इजिली अवेलेबल होते हैं? तो डोमेस्टिक एरिया, लोकल स्क्रैप यार्ड, कलेक्शन सेंटर, ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर, गवर्नमेंट कलेक्शन सेंटर, आप ये गवर्नमेंट टेंडर के थ्रू भी खरीद सकते हो। डिपार्टमेंट्स में जैसे BHL हो गया, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का ज्यादा यूज होता है, BSNL हो गया, कम्युनिकेशन सेंटर हो गए, प्राइवेट टेंडर्स में जो कंपनियां होती है टाटा कम्युनिकेशंस और रिलायंस कम्युनिकेशन, यहाँ से आप ई स्क्रैप इजीली खरीद सकते हो और ई वेस्ट आराम से खरीद सकते हो। डोर टू डोर कलेक्शन भी कर सकते हैं अगर आपके पास वाहन की कोई दिक्कत ना हो। इंडस्ट्रियल सेक्टर से खरीद सकते हो, इंस्टीट्यूशन सेक्टर्स हो गए, हॉस्पिटल सेक्टर हो गए, IT सेक्टर हो गए, हाउस होल्ड, कम्युनिकेशन सेंटर्स, टाटा सेंटर्स, लोकल स्क्रैप यार्ड, रिपेयरिंग सेंटर्स, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग सेंटर्स, मेडिकल सेक्टर्स पे आपको मेडिकल इक्विपमेंट्स आराम से मिल जाते हैं। तो ये जो सेक्टर्स होते हैं यहाँ पे आपको ई वेस्ट बहुत इजीली मिल सकते हैं, कहीं कहीं आपको इसका टेंडर के लिए रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बना रहा हूँ कहाँ कहाँ से आप इसमें टेंडर ले सकते हो इजीली। अब नेक्स्ट सवाल है, ई वेस्ट को प्रोसेस कैसे किया जाता है, मतलब ई वेस्ट से हैजर मटेरियल और प्रीसियस मेटल जो होते हैं वो कैसे रिकवर किए जाते हैं? तो इसमें सबसे पहला स्टेप ये आता है, इसको डिसमेंटल किया जाता है। डिसमेंटलिंग में ई वेस्ट से सेपरेट किया जाता है ग्लास, प्लास्टिक, कॉपर, स्टील, जो भी अदर मेटल्स होते हैं उनको रिकवर किया जाता है, जिसमें 95% से लेकर 97% तक ये सारे मेटल्स रिकवर होते हैं, और PCB बोर्ड जो होता है 3% से लेकर 5% रिकवर होता है। फिर इसमें हैजार्ड कंपोनेंट्स जो होते हैं जैसे कैपेसिटर, CRT स्क्रीन्स, फिर इसमें क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैसेस होती हैं उनको अलग किया जाता है, लाइट बल्ब्स, तो हैजार्डस मेटल्स होते हैं जिसमें मर्क्यूरी हैवी मेटल्स होते हैं उनको रिकवर कर लिया जाता है ताकि आगे प्रोसेस में ना जाए, उनको अलग से सेपरेट रिसाइकल किया जाता है, उनका प्रोसेस दूसरा है। फिर उसके बाद आता है मैकेनिकल प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में हैजर्ड मटेरियल से इस मेटल को अलग किया जाता है क्रशिंग के और शेडिंग के द्वारा। सेकंड स्टेज आती है मैकेनिकल प्रोसेसिंग। मैकेनिकल प्रोसेसिंग में हैजर्ड मटेरियल को प्रीसियस मेटल से अलग किया जाता है, इसके द्वारा क्रशिंग करके, शेडिंग करके, मैग्नेटिक के द्वारा और एडिक करंट के सेपरेशन से द्वारा।
सेपरेट करने के बाद इसको प्रोसेस किया जाता है। उसके बाद क्रशिंग के द्वारा इसमें ई वेस्ट को क्रश करके छोटे बड़े जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको क्रश करके उनके छोटे छोटे टुकड़े में जमा कर लिया जाता है। उसके बाद आगे इसको प्रोसेस के लिए आता है श्रेडिंग के लिए। श्रेडिंग का मतलब ये होता है जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं उनको और भी ज्यादा छोटे और महीन पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि उसे इजीली कोई भी मेटल हो भी मेटल उसमें आ रहा हो जो भी केमिकल उसके अंदर है वो सेपरेट हो जाए। उसके बाद जब इतना कन्वर्ट करने के बाद फिर मैग्नेटिक का इस्तेमाल करके फेरस नॉन फेरस मेटल को अलग अलग निकाल लिया जाता है। नॉन मेटेलिक चीज़ों को अलग रखा जाता है, फेरस को अलग रखा जाता है, प्रेशियस मेटल को अलग रखा जाता है। तो ये सब चीज़ें जब सेपरेट होकर आ जाती हैं फिर एयर ब्लोअर के थ्रू इसमें जो चीज़ भारी होती है वो नीचे चली जाती है और जो हल्की चीज़ें होती हैं वो आगे फेंक जाती है। तो एयर ब्लोअर का इसमें नेक्स्ट स्टेप का यही काम होता है। इसका मैंने पूरा वीडियो इसका प्रोसेस मैंने आगे बताया है, आप उसको स्टॉप करके वीडियो को वहाँ आप देख सकते हैं क्या प्रोसेस का किया जाता है। फिर इसका थर्ड स्टेज है गैस एमिनेशन। तो अब जब इसको रिसाइकल करते हैं तो उसमें से हार्मफुल गैसेस और हैजार्ड गैसेस निकलती हैं जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक होती हैं। तो इनको एक जगह पे स्टोर किया जाता है, स्टोर करने के बाद उनको वहाँ पे ख़त्म कर दिया जाता है। उनकी कोई प्रोसेस होता है वो मैंने वीडियो में आगे मैंने उसका चार्ट डाला हुआ कैसे ख़त्म होती है, उसमें चार्ट में आप देख सकते हैं। तो सबसे लास्ट में स्टेप होता है ई वेस्ट रिसाइकलिंग रिफाइनिंग। सारे जो मेटल्स होते हैं वो रिकवर कर लिए जाते हैं। रिकवर करने के बाद फिर उसको सेकेंडरी रॉ मटेरियल के तहत में जहाँ जहाँ उसको यूज़ होता है वहाँ वहाँ उसको सेंड कर दिया जाता है। जैसे कॉपर को कॉपर रिफाइनिंग में, एल्युमिनियम को एल्युमिनियम रिफाइनिंग में, प्रीसियस मेटल में जैसे गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम ये रिकवर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से, उनको वहाँ रिफाइन करके उनको आगे सेंड कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट सवाल है ई स्क्रैप में कौन कौन से टाइप के केमिकल्स एंड मेटल्स रिकवर होते हैं। तो केमिकल में ऑयल एंड ग्रीस, सस्पेंडेड सॉलिड, साइनाइड और अमोनियन नाइट्रोजन इसमें रिकवर होता है। और मेटल्स में मर्क्यूरी, एडनियम, निकल, जिंक, क्रोमियम, कॉपर, लेड, आयरन ये हैवी मेटल्स रिकवर होते हैं। प्रीसियस मेटल में गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम रिकवर होते हैं। सुपर हैवी मेटल्स में मैग्नीज ये मेटल्स रिकवर होते हैं। इनको रिफाइन करके फिर इसको आगे इनगोट बना के फिर आगे इसको सेल आउट कर सकते हैं। अब ये नेक्स्ट सवाल है कौन कौन सी कंट्री से सबसे ज्यादा ई वेस्ट जनरेट होता है और इंपोर्ट होता है इंडिया में। तो सबसे पहले इसमें आता है यूएसए। यूएसए हो गया, गाना, नाइजीरिया, चाइना, रशिया, जर्मनी, यूके, ब्राजील ये नंबर वन है। यहाँ से सबसे ज्यादा इम्पोर्ट किया जाता है माल और सबसे ज्यादा यहाँ पे ई वेस्ट जनरेट होता है। अब नेक्स्ट सवाल है ई वेस्ट रिसाइकलिंग मशीन कितने की आती है और उसमें किस किस टाइप की मशीनें रहती है। ई वेस्ट रिसाइकलिंग मशीन 60 लाख की कंप्लीट सेट आता है इसका, जिसमें श्रेडर, प्रोसेसर, एयर ब्लोअर, मेटल सेपरेटर एक्सेट्रा। इसमें और भी टाइप की छोटी मोटी बहुत सारे पार्ट्स आते हैं जिनका फुल अगर किसी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए हो तो मेरे संपर्क कर सकता है। इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैं बना के आपको दे दूंगा, वो पेड सर्विस होती है वो मेरी। मैं आपको पेड उसमें कम से कम 25 से 30 हजार का इसमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहता है वो उसमें कम्प्लीट इसके एनालिस्ट कम्प्लीट प्रोजेक्ट रहता है कैसे स्टार्ट करना है कैसे काम करता है। नेक्स्ट सवाल है इंडिया में सबसे ज्यादा ई वेस्ट कहाँ जनरेट होता है और कहाँ सबसे ज्यादा मिलता है। तो मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, चाइना, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे, सूरत, नागपुर में सबसे ज्यादा ये जनरेट होता है। और यहाँ पे ई रिसाइकलिंग का इनफॉर्मल सेक्टर इसमें काम करता है क्योंकि यहाँ पे भी प्रॉपर वे में रिसाइकलिंग नहीं होती है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और आपसे पुनः आग्रह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस चैनल के माध्यम से आपको काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और लोग को शेयर भी कीजिए ताकि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके इजिली। जो कोई बंदा इस बिजनेस को करना चाहता है तो इस बिजनेस को आराम से स्टार्ट कर सकता है वीडियो देख के, उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी ताकि इसमें पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है तो इससे बेसिक उसका क्लियर हो जाए कि उसको काम करना है। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप और बिजनेस ग्रुप में भी इसको शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन रुके ना और आगे सबको मिल जाए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगर किसी को मेरे साथ बिजनेस करना हो और कोई मेटल इंपोर्ट करवाना हो तो वो मेरे से ईमेल द्वारा अपना मैसेज मेरे को ईमेल बॉक्स में भेज सकता है, व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज डाल सकता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों ईमेल आईडी व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, कृपया करके आप जाकर व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पे मैसेज किए, अपनी रिक्वायरमेंट डालिए, LOI डाल दिए, वो क्या रिक्वायरमेंट है, लेटर ऑफ इंटेंशन में सब उसमें रिक्वायरमेंट डाली जाती है और प्रॉपर वे में मुझे सेंड कीजिए। आपको अगर आप प्रॉपर वे में मुझे सेंड करेंगे तो अगर मुझे लगेगा कि हाँ भाई इस बंदे का काम करना चाहिए मैं आपका उसको रिप्लाई दूंगा। रेट पूछने वाले कृपया करके मुझे फोन ना करें, रेट पूछ के शांत हो जाते हैं, काम आगे करते नहीं है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए भी नॉलेजेबल वीडियो आपको मैं आगे रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड को दे जाऊंगा इन्फॉर्मेशन। अभी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं और कमेंट करके मुझे सकते हैं इस सेक्टर से रिलेटेड मुझे वीडियो चाहिए, मैं आपको वीडियो बना के आपको दे दूंगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए।